नमस्कारः संस्कृत पाठशालायां स्वागतमस्ति नारायण दत्त पक्षतः सर्वेषां। आप सभी को मालूम है कि संस्कृत में उच्चारण की दृष्टि से या स्वरूप की दृष्टि से हम संयुक्ताक्षरों की बात कर रहे हैं और हम जानते ही हैं कि दो, तीन, चार या उससे भी अधिक व्यंजन वर्ण जब मिलते या संयुक्त होते हैं तब हम उन्हें साधारण रूप से संयुक्ताक्षर कहते हैं। और हम यह भी देख चुके हैं कि संयुक्ताक्षर होने पर हमें उच्चारण की ओर अधिक ध्यान देना होता है, पर जब संयुक्ताक्षर होने पर उच्चारण में कुछ और भी विशेष अंतर आ जाए, जैसा कि हम देखते हैं बल्कि सुनते हैं, तब हम उन संयुक्ताक्षरों को विशेष कहते हैं। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा के शुद्ध स्वरूप या शुद्ध उच्चारण को हम ध्यान में रखें तो दो संयुक्ताक्षर ऐसे हैं जिनका उच्चारण हम में से कई गलत कर बैठते हैं। उनमें से एक संयुक्ताक्षर क्ष पर हमने बात कर ली है, आज क्रम है दूसरे संयुक्ताक्षर ज्ञ की। आइए यह जान लेते हैं कि इसके उच्चारण में हम क्या कमी कर जाते हैं और क्या है समाधान या इसका शुद्धतम उच्चारण। पहले यह देखते हैं कि कैसे बना है यह विशेष संयुक्ताक्षर, यानी किन दो वर्णों, अक्षरों या व्यंजनों के संयोग से बना है यह संयुक्ताक्षर। जी हाँ, उच्चारण की दृष्टि से विशेष संयुक्ताक्षर है ज्ञ, जो बना है ज और ञ के योग से। अब क्रम है संयुक्ताक्षर से सज्जित शब्दों को रखने का, ताकि हम उनके उच्चारण को समझ सकें और शुद्धतर या शुद्धतम उच्चारण भी स्वयं कर सकें। आइए संयुक्ताक्षर ज्ञ से बने कुछ शब्द हम उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। पहला शब्द है ज्ञान, जो बना है ज, ञ, आ, न और अ इन वर्णों या अक्षरों के संयोग से। एक और शब्द है विज्ञान, जो बना है व, ई, ज, य, आ, न और अ इन वर्णों या अक्षरों के संयोग से। एक और शब्द है यज्ञ, जो बना है य, अ, ज, य और अ इन वर्णों या अक्षरों के संयोग से। एक और उदाहरण लेते हैं प्रज्ञा, जो बना है प, र, अ, ज, य और आ इन वर्णों या अक्षरों के संयोग से। ऐसे ही एक शब्द और है वैज्ञानिक, जो बना है व, ऐ, ज, य, आ, न, ई, क और अ इन वर्णों या अक्षरों के संयोग से। ऐसे ही कई शब्द हैं जहां ज्ञ का प्रयोग होता है। इन सभी उदाहरणों में ज और य से बना हमारा विशेष संयुक्ताक्षर ज्ञ होता है, जिसका उच्चारण कुछ विशेष है। सामान्य तौर पर तो दो व्यंजन संयुक्त होते हैं और दोनों ही व्यंजनों के अपने अपने उच्चारण के साथ हम उसका प्रयोग करते हैं, वैसा यहाँ नहीं होता, यह ध्यान रखने की बात है। जैसे त और र के संयोग में त्र, ऐसा हम शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ किसी तीसरे वर्ण की यहाँ उच्चारण के संदर्भ में प्रतीति या उपस्थिति नहीं होती, पर यहाँ ज और य को मिलाकर कुछ अलग उच्चारण हम संस्कृत में देखते आए हैं। तो इसी तरह ज और य के उच्चारण को ध्यान में रखें तो ज्ञ अर्थात ज्ञान ऐसा न कहकर ज्ञ का प्रयोग हमें परंपराया अधिक प्राप्त होता है। सार रूप में ज्ञ इस संयुक्ताक्षर के उच्चारण में कुछ पारस्परिक और पारंपरिक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, और कई बार ऐसे उच्चारणों को संस्कृत के उन शास्त्रों के द्वारा ही सिद्ध करने का प्रयास होता रहता है, जहां मात्रा, स्वर, अक्षर या वर्ण, पद आदियों के उच्चारण पर बहुत ही गंभीरता के साथ विचार किया गया है, और उन ग्रंथों में आरण्यक, प्रातिशाख्य तथा कई शिक्षा ग्रंथ सम्मिलित हैं। पर हम जानते हैं कि एक प्रसिद्ध सूक्ति है, विद्या विवादाय धनं वदाय, इसलिए कई बार इन्हीं ग्रंथों में कुछ अलग सिद्धांत भी हमें मिल ही जाते हैं, और ऐसा न मिलने पर भी लोक प्रयोग को अधिक महत्व देने का तर्क रख दिया जाता है, और ऐसे में इस उच्चारण की विशेषता को लोग अस्वीकृत भी करते हैं। ऐसे में केवल ज्ञ का उच्चारण भी लोग करते हैं, पर एक बात यह है कि लेखन में यानी लिपि में भी इस संयुक्ताक्षर को कुछ विशेष रूप में हम देखते हैं, तो ऐसे में संयुक्ताक्षर का हम जो प्रयोग करते हैं उच्चारण के संदर्भ में, वहाँ ज्ञ या ध्न्य न कर ज्ञ इस रूप में हमें करना चाहिए।
यहाँ एक बात और प्रबुद्ध संस्कृत प्रेमियों के लिए कि अनुस्वार और विसर्ग जैसी संस्कृत की इकाइयाँ जो हैं उनके बारे में हमें अकस्मात किसी व्याकरण में बहुत कुछ नहीं मिलता, बल्कि इसके लिए तो हमें शरण में जाना होता है उच्चारण के विशेष शास्त्रों की ओर, विशेष ग्रंथों की ओर, अर्थात आरण्यकों की ओर, प्रातिशाख्यों की ओर और शिक्षा ग्रंथों की ओर। तो अब हम यही जान लेते हैं कि इसकी परिपाटी जो है क्ष और ज्ञ की वो थोड़ी अलग है, और इस संयुक्ताक्षर की कक्षा में आपके लिए हम अगले एक श्लोक के साथ अब इसका समापन करेंगे। एक श्लोक ले लेते हैं जहाँ पर ज्ञ इस शब्द का अधिक प्रयोग है, प्रचुर प्रयोग है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजल सलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमो नमः।